हाथ जोड़कर बैठ जाती और कहने लगी, हे हाथ जोड़ पाया मैं लटगी, तू विपता काट दिए मेरी। और सुनो महाराज, इंद्र राजा की कैद पड़ी से खांडे राव बहु तेरी, इंद्र राजा की कैद पड़ी से खांडे राव बहु तेरी, मेरे हाथ जोड़ पाया मैं लटगी, हाथ जोड़ पाया मैं लटगी, ताकत दी मेरी, इंद्र राजा की कैद पड़ी से खांडे राव बहु जाती हूं, लेकिन महाराज आज बताती हूं, मैं इंद्र के दरबार में कैद हुई पड़ी हूं। मेरी मजबूरी है कि जब तक मैं उस कैद से नहीं छूटूंगी, जब तक मुझे इंद्र के दरबार में नाचना और गाना करना पड़ेगा। मैं थक चुकी हूं महाराज, अब ये नाचना गाना मेरे बस की नहीं है। किस तरह से पहली कली में क्या कहने लगी, नाच कह कारा हो, चार बजे छुट्टी मिल जा फेरा, चार घड़ी तक नहाना हो, जब इंद्र की मिले इजाजत फिर मन वापस आना हो, जब इंद्र की मिले इजाजत फिर मन वापस आना हो, वो इंद्र राजा मन बहु बना ले, सच्चे दिल से बताना रागनी कैसी लग रही है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रागनी मैंने इसलिए चुनी यहाँ पे गाने के लिए क्योंकि ये पूरा किस्सा मेरा मन पसंद है, और जो कलाकार का ही मन पसंद होगा तो श्रोताओं को तो पसंद आएगा। और मेरे हिसाब से दादा लक्ष्मी चंद जी ने, पंडित मांगेराम जी ने, महर सिंह जी ने, दया चंद जी ने, बाजे भगत ने, धनपत सिंह ने और चंद्रलाल जी ने जितने भी किस्से बनाए और जितनी भी रागनी बनाई उनका कोई तोड़ नहीं है। आज के कवि लिखते हैं लेकिन उनकी बराबरी नहीं है। दूसरी कली में न्यू कहने लगी, महाराज अरे तुम राजा हो और मैं एक नाचने गाने वाली हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं किसी बटेऊ की माला तोड़ के ला रहे क्या, पता ही नहीं चल रहा बैंक कहाँ है इनका। बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद। और सारे खुले ले रहे बटेऊ की माला तोड़ रहा हूँ। वही तो कह रही हूँ, ये नू समझ रहे कि अभी राजा इंद्र के दरबार में नाचना गाना खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है। पर ये इसको ये नहीं पता कि मेहमान को कि खंडेरा परी चरणों में पड़ी है फिलहाल।
न्यू कह लगी महाराज, अरे जिस इंसान की बहू, कोई बात नहीं ध्यान इधर देंगे। हाँ जी, 100 रुपए इंद्र जी, 50 रुपए पूर्ण जी देते, बहुत 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 धन्यवाद, बैठ जाओ जी। हाँ मैं सही हूँ बिल्कुल। राजकुमार सुनो, राम स्वरूप 100 रुपए देते। नू कह रहा है तू सही है तो मैं भी सही हूँ। बैठो भाई साहब, बैठो, बैठ जाओ आप, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। नू कह लगा कि महाराज, जिस इंसान की बहू छुप छुप कर नाचने और गाने का काम करती हो, उस इंसान का कोई जीना नहीं होता। दूसरी कड़ी के माध्यम से ध्यान रागनी की तरफ देंगे, उधर क्या देखना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी आमदनी हो रही है बढ़िया। दूसरी कली के माध्यम से खंडेरा परी राजा वीर विक्रमाजीत को क्या समझाने लगी। अगली लाइन अच्छी लगे तो तालियां बजाऊंगी। जिनकी बहू नाचती फिरती उन मर्दा की हद छाती, एडी के सिर लाना हो जा कित रह जा घूंघट गाती, एडी के सिर ना महाराज ना, अरे ब्याह हुआ कहाँ है, अभी अभी तो ब्याह होना बाकी रह रहा है, और क्या क्या काम करने बाकी रह रहे हैं। के कहने लगी तीसरी गली में, मरना बाकी रह रहा से, ये दिन आलिए मरते मरते और मरना बाकी रह रहा से। मेरे जान काढ़ के मुट्ठी के मां, जान काढ़ के मुट्ठी के मां, तू ले रहा के मलेरी, इंद्र राजा की कैद पड़ी से, यह तो खंडेरा बहू तेरी, रागनी को लिखा। और अंतिम कली में पंडित मांगी राम जी ने अपने गुरुजी दादा लक्ष्मीचंद जी के बारे में बताया।
कि कैसा वो गाया करते थे, कैसा सांग किया करते थे, किस तरह के उनके आचार और विचार थे, किस तरह से क्या बताया। साची बात कहने ते कदे घबरावनिया ना था रे, साची बात रे बनते हो घबरावनिया ना।